हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा, काफ़ी सारे लोग का क्वेश्चन ये था कि डॉग को पेडिग्री दिन में कितनी बार खिलाना चाहिए और किस तरीके से खिलाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊंगा और कैसे खिलाना चाहिए, किस तरीके से खिलाना है, वो सारी बातें इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है आप सभी के लिए, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, डॉग को पेडिग्री दिन में कितनी बार खिलाना, ये एज के ऊपर डिपेंड करता है नंबर वन, और दूसरा इसके अलावा आप और क्या चीज़ें अपने डॉग को खिलाते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आप लोग अपने डॉग को दही दे रहे हैं, पनीर दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, या फिर चिकन, मटन, फिश वगैरह, या फिर एग, ये सारी चीज़ें देते हैं, तो आप लोग दिन में एक बार पेडिग्री को दे सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आप लोग नहीं दे रहे हैं तो आप लोग दिन में दो बार डॉग फूड अपने डॉग को दे सकते हैं। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से ये रहेगा कि डॉग फूड के साथ आप लोग जो घर की चीज़ें हैं जो आप लोग देते हैं, वो चीज़ भी आप लोग अपने डॉग को खिलाएं। जैसे एडल्ट डॉग हैं, यानी कि बड़े जो डॉग हैं, हम लोग उन्हें एक से दो बार दिन में खाना देते हैं। तो उसी टाइम आप लोगों को क्या करना है, जैसे आप लोग दिन में अपने डॉग को खाना दे रहे हैं, तो आप लोग जब भी डॉग फूड, जैसा कि मैंने बताया, आप लोग दिन में दो बार दे सकते हैं, तो जब आप सुबह में दे रहे हैं तो आप लोग डॉग फूड के साथ जो घरेलू चीज़ें हैं आप लोग देना चाहिए, तो आप लोग वो चीज़ें दें। जैसे सुबह के टाइम में आप लोग दे रहे हैं तो डॉग फूड के साथ चावल और दही, ये मिक्स करके आप लोग दे सकते हैं। अब जब दूसरी डाइट आप लोग जब दे रहे हैं, यानी कि दूसरी बार शाम को, तो शाम के टाइम आप लोग क्या कर सकते हैं कि जब डॉग फूड आप लोग शाम के टाइम दें, तो उसमें आप लोग एग या फिर चिकन, जो भी आप लोग को मिल जाए, एग भी मिला कर दे सकते हैं, या फिर चिकन मिल जाए तो चिकन भी आप लोग मिला करके, मिक्स करके आप लोग अपने डॉग को दे सकते हैं। तो अगर मिक्स करके देते हैं तो इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी होगा। आपका डॉग अगर रोज़ घर का खाना खा रहा है तो ये खा कर वो काफ़ी ज़्यादा उग जाता है, तो इसमें आप लोग अगर डॉग फूड मिला दे रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा खाना खाने में। और अगर रोज़ रोज़ आप लोग डॉग फूड ही बस अगर देते हैं, तो अगर इसमें जैसा कि मैंने बताया दही, चावल और ये सारी चीज़ें मिलाकर आप लोग देंगे तो खाने में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। और शाम के टाइम जैसा कि मैंने बताया, अगर चिकन हो, एग हो, ये दोनों में से कोई भी अवेलेबल हो, तो आप लोग मिक्स करके देंगे तो उसका खाने में इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, और जो बेनिफिट है दही का और चावल का, और शाम के टाइम में जैसा कि मैंने बताया चिकन एग का जो बेनिफिट है, ये आप लोग जानते ही हैं। तो आप लोगों को सब मिला करके मिक्स करके ही देना है तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब बात करें पपीज़ के लिए, तो पपीज़ में आप लोगों को दिन में चार चार घंटे के बाद आप लोग खिला सकते हैं, यानी कि एक बार खिला दिए तो फिर चार घंटे के बाद आप लोग खिला सकते हैं। अब खिलाना आप लोगों को बड़े डॉग वाला पेडिग्री नहीं है, मैं बता रहा हूँ आप लोग, पपी के लिए स्टार्टर आता है पेडिग्री का ही, या फिर कोई सा भी आप लोग ले सकते हैं। तो मैं पेडिग्री का बात कर रहा हूँ तो पेडिग्री का ही आप लोगों को बताऊँगा। तो पेडिग्री स्टार्टर आता है तो आप लोग वो ले सकते हैं, और अपने पपी को चार चार घंटे तक मतलब खिला सकते हैं, चार चार घंटे के बाद, और दिन में आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, चार चार घंटे पर, पाँच पाँच घंटे पर खिलाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि छोटे पपी होते हैं, आप लोग जितना खिलाएंगे उतना ही बेनिफिट उन्हें मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ज़्यादा ज़्यादा खिलाना है, ज़्यादा ज़्यादा आप लोग खिलाएंगे तो लूज़ मोशन जैसी दिक्कतें हो सकती हैं, तो आप लोग अपने दिमाग से काम करिएगा और आप लोग खिला सकते हैं, यानी कि चार से पाँच बार, छः बार आप लोग दिन में उन्हें दे सकते हैं थोड़ा थोड़ा। तो अगर आप लोग इस तरीके से अपने डॉग को पेडिग्री खिलाते हैं तो काफ़ी अच्छा आप लोग को बेनिफिट देखने के लिए मिलता है। तो आप लोग पेडिग्री अपने डॉग को ज़रूर खिलाएं, और ऐसा भी नहीं है कि आप लोग डायरेक्ट खिलाएं उसे, जैसा कि मैंने बताया मिक्स करके, और ऐसे आप लोग खिला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।